एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति तिवारी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक हेयर स्टाइल लेके आई हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। पतले हल्के बालों में फ्रंट हेयर स्टाइल कैसे करें, तो वीडियो पे सॉरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो चलिए बताते हैं कि किस तरीके से आप छोटे पतले बालों पे, पतले और छोटे बालों पे फ्रंट में हेयर स्टाइल बनाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने क्राउन एरिया से थोड़े से हेयर लेने हैं। यहाँ से आप थोड़ी सी हेयर उठाओगे, हल्का सा पफ का लुक देना है आपको। यहाँ पे अगर आपके पतले बाल हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पफ बनाने में दिक्कत आती होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके की पतले दांतों वाली कंघी ले लेनी है और बैक कॉम्बिंग कर देना है। बैक कॉम्बिंग करोगे तो आपके बालों में वॉल्यूम आ जाएगा जिससे आपका पफ बहुत ईजिली बन जाएगा। ओके, तरीके से बैक कॉम्बिंग करनी है आपको। अगर आपका आपको बैक कॉम्बिंग के बाद भी आपके बालों में वॉल्यूम नहीं आता, इस तरीके से पफ का लुक नहीं आता है, तो आप इस तरीके का स्प्रे ले लीजिए। इस स्प्रे का नाम एंजो हेयर स्प्रे है जो कि मैंने मीशो से आपको मंगाया था और ये मुझे 200 में मिल गया था, ऑफर में था। इस स्प्रे को मारने के बाद से आपके बाल अच्छे से लॉक हो जाएंगे और ईजिली आपका पफ बन जाएगा। अभी फिर आपको फ्रंट से थोड़े से हेयर देने हैं अच्छे से कॉम करते हुए, जो आपने पफ बनाए हैं उसके ऊपर इस तरीके से ले जाने हैं। ताकि पतले हल्के बालों में बहुत इजीली आप इस तरीके से पफ बना लोगे। कैसे भी बहुत ज़्यादा पतले हैं स्कैल्प दिख रही है तो भी बन जाएंगे, तो आप जरूर ट्राई कर लेना। तो ये देखिए, मुझे बिल्कुल भी पफ बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है, इजीली मेरा पफ यहाँ पर बन गया है। और आप सिंपली अपना टिक टैक क्लिप या फिर बॉबी क्लिप से इसको सेट कर दीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पे मेरा पफ छोटा सा मतलब दब गया है तो आप यहाँ इस तरीके से खींच सकते हो उसको। ओके, तो पार्टी वियर पफ है, पतले हल्के बालों पार्टी वियर फ्रंट हेयर स्टाइल है ये। ओके, तो देखिए कितना इजीली पफ हमारा अच्छे से बन चुका है। अभी क्या करेंगे, अभी हमको फ्रंट से अपना हेयर स्टाइल बनाना है। इसके लिए आप अपने बालों को ब्राइड बना सकते हो या फिर आप सिंपली ट्विस्ट कर सकते हो। तो ट्विस्ट वाला से ज़्यादा इजी होता है, तो आप ट्विस्ट बना लो। ये देखो, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो आप इस तरीके से खींचिएगा जरूर। ये नहीं, अगर आप इस तरीके से बालों को नहीं खींचोगे तो आपका मांग जो है वो दिखेगा और स्कैल्प दिखेगी, जिससे आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगेगा। तो पक्का खींच लीजिएगा अपने हेयर को। थोड़ा थोड़ा खींचने हैं, अगर आपको लेयर्स निकालनी है तो आप निकाल दो, अदरवाइज आप इसको पीछे लेके जा सकते हो इसी तरीके से। तो हम लोग शादी पार्टी में तो अक्सर मांग टीका या इयरिंग बहुत हैवी पहनते हैं, तो आपको मांग निकालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको बैक वाले जो आपने बैक में क्लिप लगाई थी वहीं पे ले जाके इसको भी सेट कर देना है। अगर आपकी स्कैल्प लगे कि दिख रही है तो आपको क्या करना है, एक यूपिन ले देना है और जहाँ से स्कैल्प दिख रही है वहाँ पे आप इस तरीके से इसको यूपिन की मदद से अंदर की तरफ पिन कर लोगे। और आपने यूपिन लगाई है तो ध्यान दीजिएगा कि आपका यूपिन निकल सकता है। उसके लिए आप क्या करोगे, स्प्रे लगा दोगे अपने यूपिन पे, तो ये नहीं निकलेगा। जब तक आप चाहो तब तक ऐसे ही टीका रहेगा। अब दूसरी तरफ का हेयर स्टाइल बनाना है, इसके लिए आपको इस तरीके से बालों को सिंपली ट्विस्ट करना है। तरीके से ट्विस्ट करोगे तो आपके बाल अगर पतले हैं तो स्कैल्प दिखेगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे खींचना है इस तरीके से बालों को और इसको भी बैग में ले जाकर सेट कर देना है इस क्लिप की मदद से। ज़्यादा टाइट नहीं करना है बालों को, सेकेंड लेयर लेनी है, इसको भी ट्विस्ट करना है।
ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तीसरी लेयर लेंगे, इसको भी उसी क्लिप के अंदर। चाहो तो इस तरीके से, अगर शॉर्ट हेयर है मेरी तरह या फिर मीडियम लेंथ है तो इसको ओपन छोड़ सकते हो, और चाहो तो पीछे में बंद बना सकते हो। लेकिन जो हमारी क्लिप्स होती है ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा हेयर यहाँ पर उठाना है, पतले हल्के बालों में आप इस तरीके से हेयर टाइप फ्रंट हेयर से लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो वीडियो और हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए होंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की और भी नई नई वीडियोज़ में आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। तो फ्रंट में जिसके भी पतले हल्के बाल हैं उनसे नहीं बन पाता है ऐसे, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप चाहो तो इसमें लेयर्स भी बना सकते हो बालों में, उससे और भी अच्छा सा लुक आ जाएगा। लेयर्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरीके से हेयर को खींचना होता है, जिससे आपके बालों में इजली लेयर्स बन जाते हैं। और हाँ, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा दूर 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 पर खींचना है, ज़्यादा पास में खींचोगे तो आपका लेयर परफेक्टली नहीं आएगा। वैसे इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है कि किस तरीके से अपने बालों में लेयर्स बनाते हैं प्रोफेशनल की तरह। तो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उस तरीके से ओपन रख के बालों को पल्स कर दीजिएगा नीचे से, तो बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा, और आप चाहो तो बन भी बना सकते हो इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।